वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का वैकेंसी आ चुका है, आप लोग कैसे आवेदन करेंगे पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो अपने मोबाइल का गूगल ब्राउजर ओपन करना, वहाँ पे आपको टाइप करना, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ technicalbr.blogspot.com। इस तरह से टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्टली वहां से क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ सकते हो। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखते हैं आपको लिखा हुआ मिलेगा पोस्ट टाइटल जो कि बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020। उसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं पोस्ट किया गया है, पोस्ट अपडेट जो 24 जून को 6:20 पे किया गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल CSBC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ए लेडीज कॉन्स्टेबल फॉर बिहार पुलिस स्वाभिमान बेल्ट्रॉन फॉर एलिजिबिलिटी ST वुमेन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रीड द फुल इंफॉर्मेशन बिफोर अप्लाई। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो इंटरेस्टेड हैं जो ST वुमेन हो, जो ST लेवल के जो कैंडिडेट हैं वुमेन जो महिलाएं हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो कि आप लोग देखते होंगे सी, यहाँ पे देख सकते हैं CSBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना, नीचे आने के बाद, नीचे का आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक बार और बता देता है फ्रेंड्स कि तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंडिया का नंबर वन यूट्यूब चैनल टेक्निकल भी आ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको जो भी जॉब के बारे में आप लोग खोजना चाहते हैं वीडियो, वो सारा वीडियो अवेलेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑल जॉब वीडियोज क्लिक, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ मिल इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है 24/6/2020। उसके बाद लास्ट डेट जो यहाँ पे देख रहे हैं 24/7/2020, पूरे एक मंथ का आप लोगों का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट जो यहाँ पे टू बी नोटिफाइड लेटर में दिया गया है, अभी कोई इशू नहीं किया गया है इसमें जो है सो कि कब इसमें जो है सो एग्जाम दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी में लेकर आते हैं ST फीमेल्स के लिए ओनली जो है सो ₹112 लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो पे का माध्यम यहाँ पे देखेंगे पे क्या किसके माध्यम से कर सकते हैं, पे द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फी VIA ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग। तो आप लोग जो है सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा और नेट बैंकिंग के द्वारा भी जो है सो पेमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे एज लिमिटेशन जो दिया गया है Age as on 1/1/2020। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 1/1/2020 तक जो भी कैंडिडेट का 18 साल पूरा हो चुका है इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिनिमम एज यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जो 18 ईयर्स है, उसके मैक्सिमम एज जो है सो 30 ईयर से ज़्यादा व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट ज़्यादा उम्र के हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा फॉर एज रेजुलेशन सी नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 454। उसके बाद यहाँ नीचे आते, नीचे आने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो कि लेडीज कांस्टेबल के लिए इंटरमीडिएट 10+2 QR और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फॉर रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। तो आपको इसमें आपको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको कम से कम इंटर पास होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नोटिस जो यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं कैंडिडेट मोस्ट बी ST वुमेन ऑफ बिहार स्टेट। तो आप यहां पे देखने लिखा गया है कि ओनली फॉर स्टेट बिहार का ही जो है ST वुमेन जो है इसमें भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स टेक्निकल बिहार, यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिलेगा पोस्ट, ये टेक्निकल बिहार इस पर ध्यान नहीं देना आपको क्योंकि ये मेरा चैनल का नाम है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे मिल जाएगा लेडी कॉन्स्टेबल ST। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट देख सकते हैं 454 यहाँ पे मिल जाएगा 454। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा फिजिकल टेस्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट नेम मिल जाएगा, मिनिमम हाइट आपको लगेगा टेस्ट डिटेल्स में 155 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आते हैं फिजिकल इफिकेंसी टेस्ट जो कि PET बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख फिजिकल जो आपको लिया जाएगा
एक किलोमीटर रेस होगा जो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको 5 मिनट में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे गोला फेंक जो शॉर्ट पुट होता है, थरो खड़ा होकर आप लोग को फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं 12 पाउंड का होगा गोला, मिनिमम आपको 12 फीट फेंकना होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हाई जंप यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 फीट का है, 3 चांस दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यूज सम इम्पोर्टेंट यूजफुल लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ तो अब आप लोग को बता देते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को अब अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप अगर अप्लीकेंट लॉग इन, तो आप अगर अप्लाई कर देते हैं यहाँ से लॉग इन करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन जो है सो करके देख सकते, डाउनलोड नोटिफिकेशन जो होता है वो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोग को अप्लाई करके बता दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर पे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे जो है सो बिहार यहाँ पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज टू व्यू इंटरेस्टिंग इन। तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है लैंग्वेज जो आप इंग्लिश या हिंदी रखें, तो चलिए यहाँ पे हिंदी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण करने का विधि यहाँ पे बताया जाएगा, तो आपको इसको पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे एक टिक मार करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इस पर चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे इस पर क्लिक करना है। तो आगे जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, तो एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट नाम टाइप कर देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मिडिल नाम आपका है तो यहाँ पे मिडिल नाम टाइप कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में सरनेम सरनेम जो आपका है वो टाइप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे सरनेम जो है सो टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ मिलेगा सेलेक्ट एप्लीकेंट नॉट नेशनलिटी, आपको किस इंडिया से है इंडियन यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे इंटर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे मैं एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि इंटर एप्लीकेंट ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना एप्लीकेंट का। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं एप्लीकेंट का ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। उसके बाद नीचे आते, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर यू रोमेशियल ऑफ बिहार स्टेट, तो मैं बिहार स्टेट से हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पे क्लिक कर देना क्योंकि अब बिहार से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, तो यहाँ पे अगर आप होम गार्ड में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो यहाँ पे जो है सो नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रेसिडेंशियल कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है जो एस टी नोटिफाइड इन एसटी के लिए है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ मिलेगा सेलेक्ट एप्लीकेंट जनरल, तो आपको यहाँ पे मेल कर देना, ओनली फॉर ये मेल के फीमेल कर देना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेलेक्ट एप्लीकेंट जनरल, तो यहाँ आपको ओनली यहाँ पे मेल ही मिलेगा, फीमेल सॉरी यहाँ पे ओनली आपको फीमेल ही मिलेगा, तो आपको यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो है सो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना एप्लीकेंट का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चलिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ एप्लीकेंट का। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो है सो एप्लीकेंट का टोटल ईयर्स दिखाने लगा, 31 साल 2 मंथ 21 डे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सिंपली से क्या करना, प्रोसीड पे क्लिक करना है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इस जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे सिंपली से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जनरल का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। और नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एप्लीकेंट जो है सो आवेदक यहाँ पे कितना साल दिखा रहा है, नीचे 21 साल 2 मंथ 21 दिन। ओके फ्रेंड्स, आपको सिंपली से प्रोसीड पे क्लिक करना। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से मिलेगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप जो भी डिटेल्स डालें वहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेना आपको जो भी डिटेल्स यहाँ डालें वो सारा डिटेल्स सही है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने निर्देशों के साथ जो भी डिटेल्स यहाँ पे बोला जा रहा, पढ़ भी सकते हैं आप लोग को, कि मैं घोषणा करता हूँ जो भी डिटेल्स मैं डाला हूँ वो सारा डिटेल सही है, तो इस बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके क्लिक करने के बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल करना है। चल मैं इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे देख सकते हो मैं स्क्रिप्चर को इस बॉक्स में फिल कर दिया। इस बॉक्स में फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अमाउंट टू पे। यहाँ पे देखें अमाउंट टू बी पेड, कैप्चर को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स लिखा हुआ मिलेगा अमाउंट टू बी पेड 112 ओनली 1012 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स वन, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स आपको अमाउंट करने के लिए बोला जाएगा 112 रुपीज़, तो 112 रुपये आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे नाम में या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कुछ भी गलती हो यहाँ डेट ऑफ बर्थ, अभी भी आप लोग यहां से यहां पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स यहां पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, तो अगर सही है तो छोड़ देना, आपको सिर्फ ओनली फॉर यहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहां पे देखो पॉपअप ओपन होगा जो कि यहां पे लिखा हुआ मिलेगा हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, तो आपको यहां पे सिंपली से ओके पे क्लिक कर देना। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मेथड पे ले जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहां पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोई भी ब्राउजर अभी ओपन नहीं करना, नहीं तो आपका पेमेंट जो है उसको फंस भी सकता है। तो यहाँ पे देख प्लीज वेट, प्लीज डू नॉट प्रेस बैक बटन, तो आपको यहाँ पे देख पेमेंट मेथड यहाँ पे आ चुका है। तो आप पेमेंट जो है उसको किसके माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से? यहाँ कार्ड से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं अगर आपका जो भी कार्ड हो स्टेट बैंक का हो तो इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अगर अदर कोई भी कार्ड हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए स्टेट बैंक का है मेरा, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें पेमेंट का मेथड आ जाएगा आपके सामने, जो कि यहाँ पे देखते हैं बोला जा रहा है पेमेंट डिटेल्स और यहाँ पे मर्चेंट आरपी नंबर मिल जाएगा आपको और अमाउंट जो है 112 रुपया कटेगा और अमाउंट इन वर्ड, तो यहाँ पे देख वर्ड में भी लिखा हुआ है 112 रुपीज ओनली। ओके, तो आपको सिंपली से क्या करना है कन्फर्म पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से कन्फर्म करना आपको, तो कन्फर्म करने के बाद थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपको कार्ड का सारा डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, कार्ड का एक्सपायरी डेट और ईयर डाल देना, उसके बाद होल्डर नाम डाल देना, उसके बाद सीवीवी नंबर डाल देना उसके पीछे होता है कार्ड का, उसके बाद जिस कैप्चर को यहाँ पे फिल कर देना, उसके बाद पे करना। पे करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा ओके फ्रेंड्स वो डिटेल्स डाल देना है और आपका जो है सो लॉगिन आईडी और पासवर्ड सारा चीज़ भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पर, और उसके बाद लॉगिन करके आपको सारा डिटेल्स डाल देना है। डालने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि मैं आप लोग को पे करके और उसका फॉर्म फिल करके मैं आप लोग को बता सकूँ। इसके लिए मैं सॉरी, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आता है मेरे पास तो मैं आप लोग को फिल करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।